हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। हम इसमें देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, माइनस 7x प्लस 15y इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेंगे। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 एंड दिस माइनस 7, दिस माइनस 3 और 15 एंड दिस x और y और इज इक्वल टू ये। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ये और ये एक साथ। ठीक है, अब हम इसके लिख देंगे 5 माइनस 7 माइनस 3 15, एक लाइन डालेंगे 7 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें एलिमिनेट करना होता है। सबसे पहले हम डायगनल ही लेंगे, ये डायगनल। ठीक है, डायगनल बन रहा है ना हमारा ये, तो इसके नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हम ज़ीरो बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ज़ीरो। ठीक है, एक डायगनल बनाएंगे। अभी हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए इसमें सिर्फ एक टर्म्स आ रही है। अगर ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होता है, जिस लाइक 1 2 4 6 3 8 5 2 1, तो इसमें जो हमारा डायगोनल बनता वो बनता ये, तो इसके नीचे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन 3 एलिमेंट्स को हम क्या बनाते हैं, ज़ीरो फॉर्म करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ज़ीरो फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें जो डायगोनल आ रहा है वो ये आ रहा है। इसको ज़ीरो फॉर्म करने के लिए हम लिखेंगे R2 tends to R2 plus 7 upon 5 R1। देखें हमें क्या करना है, माइनस सेवन को हम ज़ीरो कैसे बनाएंगे, हम क्या करें, आर आर मतलब हम किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, आर रोज़ में हम चेंजेस करेंगे। किस तरीके से, क्या बोला मैंने, आर टू में चेंजेस, जिसमें हमें चेंजेस करने होते हैं वो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, हमें चेंजेस किस में करना है, आर टू में, तो इसलिए वो यहाँ आएगा। क्यों आर टू में चेंजेस करने, क्योंकि हमें ये ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो आर टू है, ये सेकेंड रो है, इसलिए हमने यहाँ आर टू लिखा। अब यहाँ पे आर टू है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये ज़ीरो बने, हम आर वन तो करेंगे। देखें माइनस सेवन में अगर आप इसको फर्स्ट रो को ऐड करते तो क्या आ जाता है, माइनस टू। ठीक है, क्या आएगा, माइनस टू। बट अगर आप इसको एनी हाउ सेवन बना दो, क्या बना दो, सेवन, तो ये दोनों प्लस माइनस होके ज़ीरो बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, आर वन को पहले क्या बनाया, सेवन, तो इसको सेवन बनाने के लिए, अब देखिए 5 को 7 बनाने के लिए अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 7। इसलिए मैंने लिखा R1 को क्या बनाया, 7। 7 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 7 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसमें करूँगी, जब इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया तो क्या बन गया ये, पहले तो जिसमें चेंजेस नहीं है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड रो में हमें चेंजेस करने हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा रफ कॉलम में हमने कर लेंगे माइनस सेवन, आर टू क्या है, माइनस सेवन, प्लस क्या करेंगे, सेवन अपॉन फाइव आर वन, आर वन हमारा क्या है, फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ, माइनस सेवन प्लस सेवन इज ज़ीरो, तो हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। अब देखिए तो चेंजेस हमारा इसमें भी होगा, तो 15 प्लस 7 अपॉन 5 इंटू में क्या है, यहाँ पे आर वन माइनस 3, हम इसका वाला आर वन लेंगे अब। ठीक है, तो 15 प्लस प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन 7 3 जो 21 अपॉन 5 विच इज 75 माइनस 21 इज 54 अपॉन 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 54 अपॉन 5, और यहाँ पे क्या है, 1, इसमें भी चेंजेस आएंगे, तो इसमें जो चेंजेस आएंगे R2 इज 1, यहाँ पे रो टू क्या है, 1, प्लस R 7 अपॉन 5 इंटू R1 यहाँ पे क्या है, 7। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे 5
फाइव प्लस सेवन सेवन जो 49 विच इज 54 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 54 अपॉन 5, यहाँ भी आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमारा देखिए ये जीरो हो गया। अब सिंपल इसके बाद का स्टेप जो होता है वो ये होता है हमारा x, हम क्या करते हैं इसकी इक्वेशन बना देते हैं, जो जो बचा है। ये देखिए ये हमारा x था, ये y था, तो हम लिख देंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे देखिए x जीरो है तो x की टर्म पे क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा 54 अपॉन 5y इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 5, ठीक है। इससे हम क्या कर लेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y क्या हो जाएगा 54 अपॉन 5 इंटू, ये देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डिविजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 54 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, इससे क्या कि y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इज इक्वल्स टू 7 विच इज 5x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इज 10, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 10। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, तो x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो हमने स्टूडेंट्स कर ली है, बट हमें मेथड जो अप्लाई करना था वो था गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर लिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी की इसके वीडियोस देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी वीडियोस के लिंक उसमें कर दूंगी, इससे आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।